Ladies and gentlemen, boys and girls, people from all walks of life, and our Chinese friends, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu, and Nihao. I'm thankful to Amjad Aziz Sahab Malik, Amjad Aziz Malik Sahab, who invited, and uh, not only that China window is talking about china, but uh, it has also opened a window of our minds. i think this is uh, a great service. Uh, living in Peshawar, where people, they do not know what exactly cpac is, but uh, i think ne nahi china window. i have visited many uh, places in china also. टॉक अबाउट सी पैक वेर दे यू नो टेल यू गाइड यू बट चाइना विंडो इज़ एक्सेप्शनल मैंने इसके मुकाबले का इस कंपैरिजन का बिकॉज वंस यू एंटर तो आपको लगता है एक दुनिया ही बदल गई है और उसमें डिफरेंट पूरी हिस्ट्री और फिर फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, सब कुछ डिस्कस किया जाता है यहाँ हमारे uh, मोज़ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ फरमा हैं मैं उनको भी आ, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ सी पैक के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन टू बी ऑन द लाइटर नोट सी पैक की मशहूरी आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि सी पैक के नाम से नस्वार भी चल पड़ी है और बड़ी कामयाबी से चल रही है तो सी पैक नस्वार जिन्होंने बनाई है उनका बिजनेस कितना फ्लरिश कर रहा है यू कैन वेरी वेल इमेजन शेंतसू एक चाइनीज़ फलासफ़र था और वो कहता था कि नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी हमें अपने दुश्मन को पहचानना है और अपने आप को पहचानना है आज बहुत सारी बातें यहाँ हुई चाइना के हवाले से बहुत सारी अच्छाइयाँ बयान की गईं लेकिन एक वक्त था जब पाकिस्तान जो है वो मारद वजूद में आया और वो चाइना के लिए रोल मॉडल था और पाकिस्तान का कुछ ऐसे मंसूबे थे जो मनोहन उन्होंने इम्प्लीमेंट किए और आज वो कहाँ पहुँच गए और हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की हमारी लीडरशिप कंसिस्टेंट नहीं थी उनके पास बेहतरीन चेयरमैन माओ और चुइनलाई लाई जैसे लोग एक लंबे अरसे के लिए सर्वाइव किए और उसके बाद एक ऐसी लीडरशिप पॉलिटिकल पैदा की अंडर वन पार्टी रूल जिसके आज 98 मिलियन मेंबर्स हैं इससे अंदाज़ा कर लें वो ये जो हम मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर तकसीम हैं क्योंकि फरतुल्ला बावर साहब मेरे अंकल भी हैं मैं इनसे बात करता रहता हूँ 98 मिलियन का मतलब यह है कि अंडर वन पार्टी रूल ये बड़ा गौरतलब बात है और गौरतलब इसलिए क्योंकि अगर एक पार्टी है अभी पीपल्स पार्टी है या मेरी तहरीक जवान है या मुस्लिम लीग है या कोई भी पार्टी तो क्या हमने कहीं भी अपने मंशूर में लिखा है कि हम पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन के लिए काम करेंगे तो नेवर ऐसा तो किसी ने नहीं लिखा इसका मतलब है कि दीज आर ऑल आवर पोलिटिकल फीफडम्स हमने ये अपनी शिकार गहें बनाई हुई हैं हम अपने अपने लोगों को कहते हैं कि आओ सिर्फ हमारे साथ चलो और उसकी बुनियाद के ऊपर हम कभी भी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी ले कर नहीं चल पाते और यही वजह है कि चाइना बहुत आगे निकल गया मैं और मेरे वाले जनरल हमीद गुल जब 2009 के अंदर विजिट के ऊपर गए चाइना के शंघाई के अंदर तो वहाँ जो मेयर थे वो बहुत बेहतरीन उर्दू बोला करते थे और उन्होंने जब मेरे वालिद ने पूछा सवाल कि आपने ये उर्दू कहाँ से सीखी तो ही रिप्लाइड के जी ये तो मैं कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ मैंने वहाँ से सीखा और आ, मैं अपना ज़िंदगी वहीं गुज़ारता रहा तो जन साहब ने कहा कि यू नो व्हाट वाज योर ड्रीम हाउ यू बिल्ट दिस ब्यूटीफुल सिटी शंघाई तो ही रिप्लाइड के जी मैं जब वहाँ पढ़ता था तो मैं देखता था कि कराची की खुली खुली शाहराहें हैं बड़े बडे जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं कारोबार जो है वो अरूज के ऊपर है ये तब की बात है जब पाकिस्तान इकनॉमिक टाइगर था एशियन इकनॉमिक टाइगर था ये कोई ना भूले कि पाकिस्तान भी एशियन इकोनॉमिक टाइगर रह चुका है इसलिए तो कहा कि मैं ये सोचता था एज अ बॉय दैट कि मैं भी कभी शंघाई को ऐसा बिल्ड कर सकूंगा हम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए इसके अलावा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अब कराची का जो ढेर है वो क्या है कचरा कुंडी बना के रख दिया अफसोस होता है एनी हाउ अल्लाह ताला करे कि बेहतरी हो लेकिन व्हाट पाकिस्तान डिड फॉर चाइना लोग यहाँ पढ़ते रहे चाइनीज़ जो थे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से सफ़र करते थे हमारे रूट से इस्तेमाल होते थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ को आते थे हमारे साथ कारोबार किया जाता था और जनरल अयूब खान जब विजिट के ऊपर गए चाइना तो उनके पास बाईप्लेन होते थे उस टाइम पे उसके अंदर एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं था कि वो फैल्कन जेट लैंड कर सकता दे आस्ट फॉर थ्री मंथस के आप हमें तीन महीने दें और हम इस दौरान में एक नया एयरपोर्ट बनाएंगे वेयर योर जेट कैन लैंड एंड दैट वॉज द टाइम वेर यू नो हम गए और बात की सारा कुछ और लॉन्ग मार्चर्स जो थे जो बड़े बड़े और उसके अंदर उन्होंने जब सवाल पूछे और उन्होंने पाकिस्तान के तराने गाने शुरू कर दिए एंड टीयर स्टार्टेड रोलिंग डाउन यू नो उनकी आंखों से जो है वो आंसू बहने लगे तो ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया राइज पीसफुली कोई दुनिया में नेशन राइट्स पीसफुली का स्लोगन लेके बातती नहीं है Somebody has to pay the price from this end पाकिस्तान paid the price and still paying the price through its blood और यह हकीकत है कि somebody has to pay the price ये राइट पीसफुली यह भी बहुत अच्छा सेनेटरी साहब ने बताया कि किस तरीके से 80% ऑफ द ऑयल स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के अंदर जा रहा है लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरीके से रोहिंग्या का मामला खराब किया गया किसने किया था कौन थे पीछे क्या पीछे वजूहत थी सबको पता है इसलिए देखना यह है कि स्टेट्स ऑफ हुरम्स के अंदर जिस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और यहां एक स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट भी है लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रेजिडेंट शी जब आए तो प्रेजिडेंट शी जिनपिंग ने एक नया विजन दिया ऑल दो के गवादर का पोर्ट का तो 1990 की दि, आ, दिहाई के अंदर शुरू हो गया था 1980 के आखिर के अंदर यह कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ था और उसके बाद फिर 1990 के अंदर इस पे काम शुरू हुआ लेकिन जो सी पैक का और बी आर आई का जो ख्वाब है और फिर सबसे बढ़कर बात यह कि हम तो ये जानते थे कि हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची और पहाड़ जो शहद से मीठी और समुद्रों से गहराइयों से गहरी है लेकिन शी जिन पिंग प्रेजिडेंट ने जो है एक नया स्लोगन दिया और वो कहा आयरन ब्रदर्स अब वट इज यू नो स्ट्रेंज थिंग दैट हाउ कम एक बिल्कुल वो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका हमारे साथ कोई चीज मिलती नहीं है ना शक्लें ना कोई बात ना जबान ना कोई ट्रेडिशंस किसी किस्म की कोई भी हमारा लेके नहीं है लेकिन क्योंकि चाइनीज नेवर मेडल इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान दिस इज वाई पाकिस्तान चीन दोस्ती जो होती है वो हमेशा जिंदाबाद होती है यही वजूहत होती हैं अभी इसके ऊपर चंद क्योंकि पॉइंट्स हैं मैं आई विल बी वेरी स्ट्रेट बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि दो लाख छत्तीस हजार जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की गई और बाय द एंड ऑफ 2020 जो है पाकिस्तान को जॉब मिली पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि उसके जो ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं इंडेक्स के अंदर वो तकरीबन 2.25 परसेंट जो है वो एनुअल ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है विच इज़ अ हाई नंबर ऑफ कोर्स और इसी तरीके से हमारी जो प्रडिक्शन है वो 2.3 मिलियन जॉब्स है कि वो जो सी पैक से और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो लोग हासिल करेंगे दैट विल बी लाइक 2.3 मिलियन जॉब्स जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा वो स्पेशली यूथ जो आज पाकिस्तान से बाहर जा रही है उसको बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमें ये फ़ैसला करना है कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी पे जाना है या लुक वेस्ट पॉलिसी पे जाना है बिकॉज वेस्ट हैज गॉट नथिंग टू डू अब हमारे फ्यूचर उसके साथ नहीं मिल सकता आप देखें पाकिस्तान के अगर आप जोग्राफिक लोकेशन को देखें तो एक साउथ ईस्ट एशिया के जो नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम उसके संगम पे बैठे हैं एक तरफ सेंट्रल एशिया के नेचुरल रिसोर्सेज जो दुनिया में 90 परसेंट रह गए हैं और इसी तरीके से गल्फ के जो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान उसके संगम पे बैठा है उसके बावजूद बावजूद यहाँ ग्रेट गेम चलती रहती है वो जैसे पीटर हॉपकर की किताब के अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ वा है कि ग्रेट गेम किस तरीके से यहां चलती है ये पाकिस्तान ही क्यों देखिए ना बहुत सारी बातें की गई मायूसियों की कि हमने ये कर दिया वो कर दिया भाई मामा माना कि हमसे गलतियां हो गई लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये पैंत तो ये पचहत्तर अस्सी साल कौमों की जिंदगी में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती चाइना को अगर आप पीछे देख लें कि बैंबू कॉरिडोर के पीछे रहा और उसके बाद फिर नाइनटीन के बाद किस तरीके से एकदम वो राइज किया तो इन पाकिस्तान विल राइज़ इन शाह बट देन वो यही है कि हमें पहले अपना फैसला करना है कि वेयर वी हैव टू गो हमें यह देखना है कि जो यूक्रेनियन क्राइसिस के बाद दुनिया जो है वो अब बाइपोलर नहीं बल्कि ट्राइपोलर हो चुकी है इसके अंदर अमेरिका इज नो लॉन्गर सुपर पावर सो, सोल सुपर पावर का स्टेटस वो खो बैठा वो ना ही वेस्ट को जो है इकोनॉमिक शेल्टर दे पाया और ना ही वो डिफेंस शेल्टर प्रोवाइड कर सका इसलिए अब जो सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार बहुत बढ़ता है और यही वजह है कि पाकिस्तान का कसूर नहीं है विद ड्यू रिस्पेक्ट्स अगर सब लोगों की अपनी अपनी राय है लेकिन मेरी भी एक राय है क्या पाकिस्तान ने रशिया को बुलाया था सोवियत यूनियन को अपने पड़ोस में या अमेरिका को दावत दे के बुलाया था हमारे पड़ोस में आ गए थे हमें यह जंग लड़नी थी हमारी मजबूरी थी और उसकी वजह से जो भी कुछ हुआ एवरीथिंग कम्स विद प्राइस टैग एंड दैट प्राइस टैग वी पेड थ्रू आवर ब्लड देर इज नो डाउट एंड टिल डेट क्योंकि मसला जो है वो चीन के साथ है द प्रॉब्लम इज विद चाइना दैट्स वाई वहां देख लें कि इंडिया उनका कैसे पार्टनर बन गया वो ईरान के साथ जिसके ऊपर सेंक्शन है उनके साथ तेल भी लेता है तिजारत भी करता है वो रशिया के साथ जिसपे सेंक्शन है उनको वो अपना दोस्त कहता है और साथ ही साथ जो है अमेरिका का भी जो है वो नंबर वन एल बन गया है और नेचुरल एल कहलाता है कौंडोलिजा राइस उसको कह चुकी उसके बाद हिलरी क्लिंटन कह चुकी तो ये सारी बातें जो है ये इस वजह से क्योंकि उन्होंने चाइना को बैलेंस आउट करना है इस रीजन में चाइना के दोस्त कितने हैं मैं आपको गिनवाता हूं भूटान आपको चाइना का दोस्त मिलेगा नेपाल चाइना का दोस्त मिलेगा बांग्लादेश चाइना का दोस्त मिलेगा आपको जो है नेपाल जो है इसी तरीके से श्रीलंका पाकिस्तान और इंडिया इंडिया किसके साथ है इंडिया रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री के ऊपर खड़ा है उसको वक्ती तौर के ऊपर जरूर वहां पर जीराई मिल जाएगी क्योंकि अमेरिका इज अ रिसीडिंग पावर वो अपने सहारा तलाश कर रहा है और इंडिया ने गलत बोट के ऊपर जंप लगा ली है जो कि डूबने वाली है इससे पहले वो रूस की कश्ती में सवार था वो अफगानिस्तान में गर्क हुई उसके बाद अब वो अमेरिका की कश्ती में सवार हुआ अमेरिका का ये लव अफेयर मुबारक हो हमने तो उनके साथ अफेयर चला के देख लिया अब आपकी बारी है आप भी इंजॉय कीजिए थोड़ा सा आपको जल्द पता चल जाएगा एनी हाउ रोड स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ अताबाद मोटरवे हुआ डी आई के शखर सवात इससे एक बहुत अब फायदा हो गया कि जो रिलायंस थी जो कि सिर्फ हम डिपेंडेंट थे वेस्ट के ऊपर या यूएस के ऊपर वो रिलायंस जो है वो हमारी तब्दील हुई और वो अब चाइना के साथ करके बैलेंस आउट हो रही है सिचुएशन लेकिन जो करने वाला काम है वो ये है कि वी शुड स्टॉप ट्रेडिंग इन डॉलर्स हमें डॉलर में करने की जरूरत नहीं है हमें करना है काम या हम युआन में करें और वहां से पाक रुपीज पे करें अगर यही बाटर ट्रेड का जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है जिसको हमने अफगानिस्तान के साथ किया है ईरान के साथ किया है हमने जो है वो रशिया के साथ किया है वाई नॉट विद चाइना ये देखिए ना अभी आपने बताया कि एक बिलियन डॉलर का हम जो है वो कॉपर का, का काम करते हैं तो हम उसको बाटर ट्रेड में कर दें तो हमारी एक्सपोर्ट्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगी अभी वी वायलेटेड एक्चुअली बाय शाइनिंग 105 मेगावाट विद ईरान हमने जो बिजली का साइन किया उनके साथ इंटरनेशनल सेंक्शन को तो हमने वायलेट कर दिया ना और यही बातें जो है वो तीन मुमालिक हैं जिन पे अमेरिका की सैंक्शन है अफगानिस्तान के ऊपर ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर तो पाकिस्तान को फैसला करके खुलेआम बात करनी पड़ेगी ये नीमे दो नीमे बरू बात जो है इससे बात नहीं चलेगी बहरहाल बुलेट रेल सिस्टम है इसी तरीके से जो 58 बिलियन डॉलर का अभी जो रेलवे प्रोजेक्ट जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए वहाँ और 58 बिलियन डॉलर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट आई जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी मेरे ख्याल में हमें इसको जो है वो प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए अठारह किलोमीटर रेलवे इज नॉट ए जोक और वो भी इतना क्वालिटी रेलवे सिस्टम जो है तो ये हमें देखना है बहरल ये भी एक हकीकत है कि कभी माजी के अंदर जो हार्टलैंड फोर्सेस थी वो कभी रिमलैंड के ऊपर जो है वो कभी आई नहीं ये रिमलैंड आपका एशिया है जिसके ऊपर आप खड़े हैं गवादर वगैरह जब भी आई लड़के आई ये पहली दफा है जब फ्रेंडली वे के अंदर आई एंड द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान देर इज नो डाउट अबाउट इट पाकिस्तान इज अ कंट्री जिसने ये रास्ता खोला जिसने चाइना के साथ अपनी दोस्ती को फरोख दिया और आगे बढ़ाया और ट्रूली आयरन ब्रदर बन के खड़ा हुआ एंड वी पेड थ्रू आवर ब्लड एंड वी आर टिल डेट वी आर डूइंग इट लेकिन वी आर कमिटेड बट एट द सेम टाइम क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या हमारी मिलिट्री लीडरशिप हर तीन साल बाद जब रावलपिंडी में चेंज आता है तो हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो पॉलिटिकल चेंज हो जाती हैं लेकिन चाइना के साथ कमिटमेंट हमारी एक ही रहती है ये एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है और दुनिया को यही तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान वो किरदार अदा कर सकता है जो जब एटलांटिक चार्टर साइन हुआ उसके बाद जिस तरीके से बरतानिया की एम्पायर जवाल पजीर हुई और बरतानिया की अमरीका जो है वो सुपर पावर बना लेकिन बर्तानिया उस टाइम पे न्यूक्लियर पावर नहीं था पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान जो है बर्तानिया से बेहतर रोल प्ले कर सकता है और चाइना एक आने वाली सुपर पावर है अगले 30-40 साल उनसे कोई नहीं छीन सकता मांसवाय अल्लाह के कोई उनको जो है इस मामले के ऊपर जो उनकी ग्रोथ है ओनली दोस्त सींग इज बिलीविंग वाली बात है जो वहाँ जाता है वही देख के बताता है मलिक साहब बाकी कोई समझ नहीं सकता कि वो ग्रोथ कितनी बड़ी है और कितनी रैपिड है क्या प्रोडक्शन है वन कैन नॉट इमेजन मैं एक इंडस्ट्री चलाता था जूतों की सारे साल के अंदर जो है बड़ी मुश्किल से एक लाख जोड़ी जूते बनाते थे और हम बड़ा खुश होते थे कि जी एक लाख जोड़ी जूते बनाए वहां एक इंडस्ट्री पे गया वो एक लाख जोड़ी जूता रोजाना बनाती है 26 किलोमीटर का कन्वेयर बेल्ट है उनका How कैन यू कंपीट इसलिए हमें यह देखना है कि हमने रॉ material देना है अफगानिस्तान को अनसेटल इसीलिए रखा जा रहा है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सी पैक के जरिए वो रास्ते खुल जाएं जो दुनिया के 90% परसेंट नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर जाते हैं एंड वो पाकिस्तान के मरहूने मिन्नत हैं। ये जो बात शुरू में अभी आप डॉक्टर साहब फरमा रहे थे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगनी चाहिए वी हैव टू कन्विंस आवर चाइनीज फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स ट दे शुड इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गवादर को बना लें किसी एक जगह को बना लें जहां हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज भी कंज्यूम हो जाएंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी कंज्यूम हो जाएंगे हमारी इंडस्ट्री भी फरोग होगी और उनका जो ये जो कॉस्ट है जो वो चाइना से प्रोड्यूस करके पाकिस्तान लाएंगे पहले वो रॉ मटीरियल यहां से लेके जाएंगे चाइना और चाइना से फिर वापस आएगा हम उसकी कॉस्ट को हाफ पे ले आएंगे क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में होगी लेकिन क्या हम कमिटेड हैं क्या हम आर वी रेडी टू से नो टू अमेरिका रिस्पेक्टफुली एंड सिलेक्टिवली आई एम नॉट से बिल्कुल ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाए बट रिस्पेक्टफुली एंड सिलेक्टिवली लेट्स सेलेक्ट द टारगेट फर्स्ट एंड देन वी कैन मूव अहेड बहरहाल वन पार्टी रूल की मैंने आपसे बात कर ली है इसी तरह से जो ए, 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 एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जिस तरीके से क्रिटिसिज्म है इफ आई रिमेंबर बीबीसी का कोई काम नहीं होता था बल्कि वो सिर्फ चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के खिलाफ एक वो प्रोग्राम शायर भी आया करता था उसके अंदर अब तो वो बंद हो गया उसके अंदर वो रोजाना मेक श्योर करते थे कि एक वो बलूचिस्तान के मामला के ऊपर और एक वो जो है वो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर को जो है वो क्रिटिसाइज करे बलूचिस्तान और ये जो के दो एग्जिट पॉइंट्स हैं आपके एक उधर के लिए जो आपके समुंदर के लिए और जो लैंड रास्तों के लिए जिसने जाना है अफगानिस्तान के बरास्ता सेंट्रल एशिया वो आपका केपी है दोनों जगह के ऊपर आप देखें कि किस तरीके से वॉर ऑन टेरर को जो है वो बढ़ाया गया किस तरीके से अनरेस्ट क्रिएट किया गया किस तरीके से टेररिज्म को फरोक दिया गया पाकिस्तान ही क्यों कुरान पाक क्यों जलाया जाता है बिल्कुल कॉन्टेक्ट से हट के बात करता हूं कुरान पाक इसलिए क्योंकि दुनिया में दीगर किताबें कभी नहीं जलाई जाती कुरान पाक आज से नहीं सदियों से जलाया जा रहा है इसलिए कि कुरान पाक ने उनके नजरिए को चैलेंज कर दिया और पाकिस्तान उस नजरिए की कस्टोडियन रियासत है और वो न्यूक्लियर रियासत भी है इस वजह से आपने अपनी इस स्टेट को पाकिस्तान को हर वक्त वो टर्मोइल में रखते हैं बिकॉज पाकिस्तान इज द इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर

जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां अमन नहीं आएगा और जहां अमन और इंसाफ नहीं होगा वहां खुशहाली कभी नहीं आएगी आपके पड़ोस के अंदर आप जो मर्जी कह लें उनको बुरा कह लें भला कह लें लेकिन हकीकत यह है कि वो इंसाफ ले आए हैं और वहां अमन आ गया है और वहां डॉलर जो है वो पचासी अफगानी के ऊपर आज बिक रहा है आप जो उनको वॉर डेवस्टेटेड उनको जो है गॉड फॉर सेकेंड जगह कहते थे आज उनके मुल्क में स्टेबिलिटी है उनके मुल्क में कारोबार चल रहा है उनके मुल्क में डॉलर यहां से जी डॉलर सारा चोरी करके ले जाते हैं ट्रकों में भर के ले जाते हैं मान लिया ओ भाई मुझे रोजाना आप एक लाख डॉलर दे मैं खरीदने की सकत ही नहीं रखता मैं कैसे खरीदूंगा उनके अंदर सकत है तो वो ले रहे हैं ना लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट हमारे यहां मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना मुशी स्टेबिलिटी है द ट्रूथ इज दैट टुडे पाकिस्तान स्टैंड जेप्रोडाइज क्योंकि उसकी वजह यह है बुनियादी दैट वी डू नॉट ट्रस्ट द स्टेट वी डू नॉट ट्रस्ट दवर्नेंस मॉडल वी डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट वी डू नॉट ट्रस्ट द मीडिया वी डो नॉट ट्रस्ट द जुडिशरी वी डू नॉट ट्रस्ट दिस जर्नलिस्ट उनके सारे ये जो हम देख रहे हैं और इसी तरीके से हमारा जो एक एतबार है जब रियासत पे एतबार नहीं सियासत पे एतबार नहीं हुकूमत पे एतबार नहीं अदालत पे एतबार नहीं मीशत पे एतबार नहीं सहाफत पे एतबार नहीं तो कहाँ खड़े हम ये है सवाल बड़े खतरनाक इनका सवाल का जवाब कोई और नहीं आके देगा कोई बाहर से नहीं आएगा वी हैव टू फिक्स आवर प्रॉब्लम्स बाय आवर और हमें अपना हाउस ऑर्डर में करना पड़ेगा और आखिर में बस इतना ही है कि जो हजार साल डिप्लोमेसी की दास्तान है वो यू स्क्रैच माई बैक आयल स्क्रैच योर्स के ऊपर मबनी है और जब आदमी कुछ ना कुछ मफाद होता है चाइना भी हमारा दोस्त है लेकिन दोस्त से इतना मत एक्सपेक्ट करें कि दोस्त अपना घर आपके लिए खोल देगा दोस्त आपका दिल ज़रूर अपना खोल देगा घर आपको अपना खुद ऑर्डर में करना पड़ेगा और यही है कि मेरे ख़्याल में दो आखिरी बातें एक हमें जो हमारे पास दरिया हैं वो मलिक साहब दरिया हमारे बड़े खूबसूरत हैं ये अंकल आपके लिए भी कि अगर आप इसको पॉइंट को उठाइए हमें उसके लिए अपने ब्रिजेस को थोड़ा सा बेहतर बनाना पड़ेगा और बार्ज ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल समझें कि एक हमारी जो रोड्स के ऊपर जो एक ट्रैफिक है जो उसके ऊपर एक वजन आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको सबसे सस्ती तरीन दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन आपको मैसर आ जाएगी सिर्फ डाउन हिल तो आपको बड़ा आसान मिलेगा अप हिल थोड़ा सा आपको उसकी कॉस्ट आ जाएगी दूसरी इसके अंदर जो गुजारिश है वो है रन ऑफ द रिवर्स के ऊपर जिसकी बात अभी इलेक्ट्रिसिटी पे की गई क्यों नहीं हम रन ऑफ द रिवर्स के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स लगा लेते दस दस मेगावाट बिजली बनाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि हम इस पर कोई काम नहीं कर रहे काश के हम आज भी समझ जाए संभल जाएँ क्योंकि वी बोथ चाइना एंड पाकिस्तान कमेंट्स देर जर्नी टुगेदर वेयर दे स्टैंड टुडे इज़ नेचुरली इट इज़ यू नो वन हैज टू एनवी देम बट हम क्यों ऐसे ख्वार हो रहे हैं इसके पीछे हमारी अपने कसूर हैं सो लेट्स यूनाइट एंड लेट्स फ़ाइट फाइट फॉर द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री फाइट फॉर द यू नो फाइट फॉर द सिस्टम एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक नए सिस्टम को जन्म जब तक नहीं देगा जिसके लिए हम हमारी पैदाइश हुई थी जो ला लाला ला ला से शुरू हुआ था सफ़र जिसके ऊपर एक खिता ज़मीन मिला लेकिन उसके अंदर जो निज़ाम आना था वो हम निज़ाम नहीं लाए जब तक आप इंसाफ का बुनियादी मैार कायम नहीं करेंगे आपके कोई आदमी आके चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो चाहे वो कोई और मुल्क क्यों ना हो वो आपको कामयाब नहीं कर सकता इसलिए कि हो सदाकत से जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने पैकर खाकी में जाम पैदा करे बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पाइंदाबाद पाक चीन दोस्ती ज़िंदाबाद